नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको फादर्स डे कार्ड बनाना सिखाएंगे। फादर्स डे कार्ड बनाने के लिए हमें ये सब सामान चाहिए। हमने कुछ कलर्स लिए हैं, कुछ सीजर्स, A4 साइज लाइट येलो शीट है हमारे पास, एक स्केल है, एक डिज़ाइनर सीज़र, एक साधारण सीज़र है, पेंसिल, ये हमने एक पेपर टेप ली है, प्रिंटेड पेपर टेप है और बुक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी आपको। ये देखिए अंदर से चिपचिपी है यानी स्टिकी है। दोस्तों यहाँ हमने कुछ स्केच पेंस रखे हैं और इसके अलावा हमने कुछ पेपर कटिंग रखी हैं जो कि हमारे कार्ड में काम आएंगी। आज फादर्स डे कार्ड बनाएंगे। दोस्तों हमने एक A4 साइज़ की लाइट येलो कलर की एक शीट ली है, इसे हमने अंदर की साइड दोनों तरफ से फोल्ड किया है। दोस्तों ये हमने एक टाई की शेप में कट करके रखा हुआ था पेपर को, रेड कलर का पेपर, इसे हमने इस तरह पेस्ट करना है। इसी तरह से एक और कटिंग हमने रखी है लाइट येलो कलर की, इस तरह इसके बैक साइड में हमने फेविकोल की मदद से इसे भी बैक साइड से चिपका देना है। ये दोनों पेपर कटिंग अच्छे से चिपक जाएंगी। ध्यान रहे दोस्तों, जो आपका फेविकॉल या गम जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे की तरफ ना आए। यहाँ पर हम थोड़ी फेविकॉल लगाएंगे और इसे टाई के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा फादर्स डे कार्ड का बेस बनकर तैयार है। अब हमने पेपर टेप लिया है, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पेस्ट किया है और इसे कट कर लिया है। एक और टुकड़ा हमने काटा है, इसे भी यहाँ पेस्ट कर लिया है। फिर एक बार और पेपर टेप को हमने कट किया और पेस्ट कर लिया। दोस्तों इस पेपर टेप के लिए किसी तरह की गम या फेविकोल की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी स्टिकी है। देखिए इसे बैक साइड से हमने मोड़कर चिपका लिया है, चारों तरफ से ये हमारी पेपर टेप अच्छे से चिपक गई है और देखिए कितनी खूबसूरत टाई बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों इस तरह का कार्ड फादर्स डे पर बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों हमने एक वाइट पेपर लिया है, इसे हमने डिज़ाइनर सीज़र की मदद से
साइड में कट कर लिया है ताकि इसकी बाउंड्री थोड़ी खूबसूरत हो जाए। इसे चारों तरफ से हमने एक डिज़ाइनर शेप दे दी है। देखिए अब हम इसके उल्टी साइड फेविकोल की मदद से पेस्टिंग करेंगे। इसे ब्रश की मदद से अच्छे तरह फैला लीजिए। इसे उल्टा करके मिड में पेस्ट कर दीजिए। ये हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया और अब ये सूख चुका है। अब हम स्केच की मदद से इस पर राइटिंग करेंगे। क्योंकि हम फादर्स डे कार्ड बना रहे हैं तो हम यहाँ पर राइटिंग भी फादर्स डे की करेंगे। हमने लिखा है हैप्पी फादर्स डे डियर डैड। नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ हमने थोड़ी डिज़ाइनिंग डाली है, थोड़े क्लाउड्स की लुक दी है। बच्चों को इस तरह की लुक बहुत पसंद आती है। नीचे हम थोड़ा ग्रास की लुक देंगे, थोड़ा प्लांट्स की लुक देंगे। किसी भी स्केच की मदद से आप इस तरह की डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर लिया है क्योंकि लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं तो यही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स का लुक दिया है। देखिए जैसे जैसे ये बन रहा है कितना खूबसूरत बनता जा रहा है। इसके अलावा मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है। अब ये ग्रास देखिए कितने खूबसूरत फूलों के पौधों के रूप में चमक रहे हैं। क्लाउड्स में मैंने लाइट ब्लू कलर किया है। दोस्तों हमारा फादर्स डे कार्ड बनकर तैयार है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।